तो झारखंड में किसकी बनेगी सरकार, लगातार इस पर हमारी नजर बनी हुई है। जिस तरह से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जेएमएम प्लस यानी कि जेएमएम गठबंधन, और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें बीजेपी की, तो नेक टू नेक फाइट यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है कि झारखंड में सरकार बनाने को लेकर खेल शुरू हो चुका है। बीजेपी ने आजसू और जेवीएम के साथ संपर्क साधा है। ओम माथुर को सौंपी गई है जिम्मेदारी, जो जानकारी मिल पा रही है इस वक्त। रविकांत राय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रवि, तो भारतीय जनता पार्टी ये मान रही है कि जो ट्रेंड्स अभी दिखाई दे रहे हैं यही नतीजों में तब्दील हो सकते हैं, और इसके लिए सहयोगियों के साथ संपर्क साधकर सरकार बनाने की कोशिशें तेज। अजय जी, भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि झारखंड विधानसभा चुनाव की तस्वीर को साफ होने में अभी एक से डेढ़ घंटे का वक्त और लगेगा। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को जरूरत ना पड़े, लेकिन पार्टी पहले से ही अपने प्लान बी पर काम कर रही है। अगर कुछ सीटों की कमी होती है तो भारतीय जनता पार्टी ने दो छोटी पार्टियों से वहां पर संपर्क साधा है, और जो चुनाव के दौरान प्रभारी थे ओम माथुर, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि दोनों ही पार्टियों से बात करें। अगर बीजेपी को तीन से चार सीटों की कमी पड़ती है तो इन दोनों ही पार्टियों से बीजेपी समर्थन ले सकती है, और इसके लिए बातचीत का जो दौर है वो प्रारंभ हो चुका है। कल रात से ही ओम माथुर जो है वो रांची में है। बिल्कुल, लेकिन विनोद जी, ये तो अंडरस्टूड ही माना जा रहा था ना कि मतलब ये तो होगा ही, भले ही अलग अलग लड़े, लेकिन बीजेपी तो मान के चल रही थी ये तो अपना है ही, मतलब ये तो बोनस पॉइंट है अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो। आजसू जो है वो अलग हो गया था, लेकिन आजसू के बारे में सुदेश महतो के बारे में माना जाता है कि बहुत हार्ड बार्गेनर है और वो हमेशा सत्ता समीकरण साधने में बड़े उस्ताद माने जाते हैं, तो और उनका जो है बीजेपी के साथ नेताओं के साथ संपर्क भी है लगातार, और बीजेपी ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया। सुदेश महतो के खिलाफ बीजेपी ने उम्मीदवार भी नहीं खड़ा किया, ये अपने आप में एक संकेत था। और बाबूलाल मरांडी जो है जो लगातार बीजेपी के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन इस बार चुनाव में उनके साथ भी जो है बीजेपी के संपर्क सूत्रों का संपर्क हो गया था, और ये एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी कि अगर कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो भी हेल्प कर सकते हैं। और एक बात बताऊं आपको, एक खबर तो ये भी चल रही थी कितनी सच है, कि बाबूलाल मरांडी अपनी पार्टी मर्ज कर देंगे और हो सकता है मुख्यमंत्री बना दिया जाए, ये भी बातें चल रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी जी, जो अभी ट्रेंड्स दिखाई दे रहे हैं, जो रुझान सामने हैं, उसके आधार पर कितना कॉन्फिडेंस आपको भारतीय जनता पार्टी के खुद के परफॉर्मेंस पर है? रघुवर दास ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, या जैसा अभी विनोद जी कह रहे थे बाबूलाल मरांडी को भी कहीं मौका दिया जा सकता है, क्योंकि आखिरकार एक आदिवासी चेहरा चाहिए तो सही आपको? नहीं नहीं, आपके इस प्रश्न का जवाब, जो दूसरा प्रश्न है उसका जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले प्रश्न का जवाब देता हूं जी। हमें 110% पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, हमारी स्पष्ट सरकार बनेगी, वहां पे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, सरकार बनाने के लिए किसी का और को साथ में लिया जाए नहीं लिया जाए ये तो शेष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ बिल्कुल स्पष्ट सरकार बनने जा रही है, उसमें कोई खिचड़ी सरकार का कोई चक्कर नहीं है। अश्वनी जी, यहाँ तक दूसरा आपने कहा कि रघुवर दास जी बनेंगे या बाबूलाल जी बनेंगे जी, मुझे जी बताइए जी। हाँ, तो ये मुझे लगता है ये मैं कम्पिटेंट नहीं हूँ, इसका जवाब देने के लिए मैं कम्पिटेंट आदमी नहीं हूँ। अच्छा, और ये तो हमारे यहाँ शीर्ष नेतृत्व तय करता है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड। इससे पहले कि हमें एक ब्रेक लेना पड़े अश्विनी उपाध्याय जी, जरा ये बता दीजिए कि झारखंड के चुनाव का श्रेय, अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना लेती है तो क्या आप प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी को देंगे, या दरअसल रघुवर दास जी के नेतृत्व को देंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में 2014 की जीत, उसके 2014 के बाद वो मुख्यमंत्री बनते हैं, 2019 में अप्रत्याशित जीत और उसके बाद फिर दोबारा जीत, तो जाहिर से बात है रघुवर दास जी को भी काफी श्रेय दिया जाना चाहिए। कौन सबसे बड़ा किरदार होगा इसके लिए? नहीं, पहली बात तो मैं बताऊं कि केंद्र सरकार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 2014 के बाद भ्रष्टाचार मुक्त विकास किया है, उसी चीज को रघुवर दास जी ने झारखंड में आगे बढ़ाया है, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य, हमारी सरकारें भ्रष्टाचार मुक्त विकास कर रही है। दूसरी तरफ वो पार्टियां हैं अश्विनी जी, लॉजिक आपके पास थोड़ा सा मजबूरी है, समय की ब्रेक के लिए भी हमको थोड़ा सा यहाँ पर रुकना होगा, एक ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।